हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का प्लांट है एक्सोरा। देखिए कितने फूल हुए हैं इसमें, वाइट कलर का फूल है ये, और ये गर्मी में ही फूल देता है आपको। कलियां भी देखिए कितने हैं इसमें, बहुत सारे कलियां हैं। ये मेरा एक 10 इंच के पॉट में है, देखिए कितने सारे कलियां हैं। पूरा वाइट वाइट दिखता है, जब फूल से भर जाता है प्लांट पूरा वाइट हो जाता है। देखिए इधर एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए फूल ख़त्म हो गया तो ऐसे दिखेगा। तो इसके टिप को आप ऐसे पिंच कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए पिंच करके इसको फेंक दीजिए, और यहाँ से देखिए नया सूट निकलेगा। ये सब ऐसे पिंच करके आप निकाल दीजिएगा, और पानी अगर कम देंगे तभी चलेगा। बहुत हार्डी प्लांट है ये ड्रॉप वैरायटी का है। देखिए ये स्पेंट हो गया फूल सारा, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। देखिए पूरा गुच्छों में आता है ये, इसका मेरे पास रेड भी है, ऑरेंज टाइप का रेड जो होता है, और येलो है, पिंक भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा फूल है और पिंक में इससे थोड़ा कम फूल है, और येलो में अभी तक फूल नहीं आया है। देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा कलियों में भरती है पूरा ये प्लांट। बहुत हार्डी प्लांट है, और इसको थोड़ा खाली वेल ड्रेन सॉइल जो होता है, बालू, कोकोपीट सॉइल, गार्डन सॉइल और भूमि कंपोस्ट या गोबर का खाद कुछ भी मिला के उसको थोड़ा वेल्डन बनाइए, और बीच बीच में कभी जो भी दूसरे प्लांट में देते हैं आप भूमि कंपोस्ट हो, कुछ भी देते हो अगर कुछ फर्टिलाइज़र, तो इसी में डाल दीजिए तो ये फूल देगा। ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है इसका, और बहुत सुंदर फूल देता है, और बहुत दिन तक रहता भी है फूल, 5-6 दिन तक रहता है पूरा एक एक गुच्छा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।